Assalamu alaikum. This is Moeed Peerzada with a very unpopular opinion. पहले ये explain कर दूँ कि popular opinion और unpopular opinion में फ़र्क है क्या. गुज़श्ता कई बरसों से पाकिस्तान के मीडिया में और अब सोशल मीडिया में ये रवाज है कि बात तो करनी है populist, popular बात करनी है, अवामी बात करनी है, मकबूल बात करनी है, लेकिन करनी इतनी बदतमीज़ी से है, इतना सीरियस चेहरा बना के करनी है, इतना बदतमीजी का चेहरा बना के करनी है, इतनी सख्त टोन से करनी है, ऐसे लहजे से करनी है कि लोग बेसाख्ता तौर पर पुकार पड़े, इंप्रेस हो जाएं, वो कहें जनाब ओहो क्या बहादुरी की बात की है, क्या दलेरी की बात की है, क्या जुर्रत की बात की है, दिल खुश कर दिया. वो दिल खुश इसलिए कर दिया है कि आपके दिल में आपके दिमाग के अंदर की हकीकत भी वही थी. हकीकत यह है कि पॉपुलर बात करने के लिए, पॉपुलिस्ट बात करने के लिए ना दिल चाहिए, ना जिगरा चाहिए, ना हिम्मत चाहिए, ना बहादुरी चाहिए, ना जुर्रत चाहिए. बिकॉज पॉपुलर बात तो लोग सुनना चाहते हैं, वो लोगों के अपने जहन की आवाज होती है. जब आप पॉपुलर बात करते हैं तो आप लोगों के जहनों के साथ रेजोनेट करते हैं, रेजोनेट करते हैं, उनको वो बात पसंद आती है. हिम्मत चाहिए, जुर्रत चाहिए, इखलाकी जो जुर्रत है, जो मॉरल करेज है, उस वक्त चाहिए जब आपको अंदाजा होता है, आपको एहसास होता है कि जो बात आप करने लगे हैं वो अनपॉपुलर है. लोग की बात नहीं सुनना चाहते, लोग की बात नहीं समझ सकते, लोग की बात समझना चाहते नहीं हैं, क्योंकि उनके अंदर के जो एहसासात हैं, जो उनके जज्बात हैं, उनके जो इमोशंस हैं, वो आपकी इस ओपिनियन और आपकी एनालिसिस से मनफी हैं. वो उसके खिलाफ रिएक्ट करेंगे, आपके ऊपर अटैक करेंगे. लेकिन एक पब्लिक फिगर का जो टेस्ट है, वो शख्स जिसे लाखों लोग फॉलो करते हो, जो पब्लिक फिगर हो, जिसको अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, उसका जो रियल टेस्ट है कि क्या उसके अंदर इतनी कन्विक्शन है, क्या उसके अंदर इतना इस्तदलाल है, क्या उसके अंदर इतना दिल जिगरा है कि वो अनपॉपुलर ओपिनियन सामने रखे और उसके बाद हर किस्म की तनकीद के लिए, हर किस्म की डिमोनाइजेशन जो है उसे बर्दाश्त करने के लिए और जो है वो तैयार हो. देखिए, मैं बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स नहीं कर पाता हूँ, मैं बहुत मसरूफ रहता हूँ, बिकॉज मैं किसी सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च भी कर रहा हूँ, टेलीविज़न की भी बहुत मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, किसी चीज़ पर लिखने के लिए रिसर्च भी मैं बहुत कर रहा हूँ, तो मुझे अक्सर टाइम नहीं मिलता. आज पढ़ रही एक हफ़्ते के बाद मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये यूट्यूब का जो चैनल है, ये मैंने इसलिए नहीं क्रिएट किया कि मैं आपको या लोगों को खुश करूँ. मैंने ये चैनल इसलिए क्रिएट किया है ताकि मैं थिंकिंग को प्रोवोक कर सकूं, आइडियाज़ को स्टिमुलेट कर सकूं, आपको सोचने पे मजबूर कर दूं उन चीज़ों के ऊपर जहां आप खुद से सोचने को तैयार नहीं है, सोचना चाहते नहीं हैं. मेरा आज का ये जो वीलॉग है, ये इसी हवाले से है. एक बड़ी अनपॉपुलर ओपिनियन है, मैं आपको शुरू में बता देता हूं. और तीन किस्म के मैंने पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं बहुत से, मैं देखते के बात करूँगा. तीन किस्म के सवाल हैं, जो तीन क्वेश्चन जो हैं उनको हम एड्रेस करेंगे. पहला क्वेश्चन ये है कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने हया सोफिया की इम्पीरियल मॉस्को जब एक म्यूजियम में कन्वर्ट किया तो क्यों किया, क्या वजूहात थी, क्या सर्कमस्टांसेस थे. दूसरा सवाल यह है कि रजब तैयब एर्दोगान जो तुर्की के प्रेसिडेंट हैं और बिलाशुबा इस वक्त मुस्लिम दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट शख्सियत भी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लीडर हैं, मेरे लिए बहुत ही मकबूल हैं, काबिल इज्जत हैं, एंड आई रियली लव हिम, आई रियली एडोर हिम. मैं समझता हूँ उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कंटेम्प्रेरी मुस्लिम दुनिया में. रजब तैयब एर्दोगान ने जो फैसला अभी किया हया सोफिया की म्यूजियम को, जो यूनेस्को प्रोटेक्टेड म्यूजियम था, उसको दोबारा जब एक मॉस्क का दर्जा दिया है, तो उन्होंने ये क्यों किया है, क्या कंसिडरेशन उनके सामने. और तीसरा सवाल ये है कि ये डिबेट जो तुर्की से जिसका ताल्लुक है, हमारे तो सामने की डिबेट नहीं, ये हमारे लिए ये डिबेट जो है यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान के बड़े सगीर के अंदर जिस खत्ते में हम रहते हैं और पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए ये डिबेट क्यों इंपॉर्टेंट है. मेरे साथ रहिए, मुझे ज्वाइन करें इस चैनल में. लेट अस स्टार्ट वन बाय वन. देखिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड. एक एक करके हम इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं. बहुत से पॉइंट्स मैंने इस कागज़ पे आज लिख के रखे हैं, इसमें बहुत सी तारीखें भी हैं, लेकिन मैं इसकी एक एक करके वजाहत करता हूँ. पहला जो सवाल फंडामेंटल है, जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझ सकें, बिकॉज अब बहुत नौजवान हैं, उम्र 20-30 बरस के दरमियान आज लोगों की है, और बहुत सा एक रवाज ये हो चुका है, एक ट्रेंड अब डिवेलप कर गया है कि जो भी चीज़ निकालनी है उसे विकिपीडिया से या नेट से 2-3 मिनट में निकाल लेना है और उसकी बेसिस पे ये क्लेम कर देना है कि देखें ये तो फैक्ट ये है. हकीकत ये है कि विकिपीडिया जो है उससे आप लार्जर पिक्चर या बिगर पिक्चर जो एक रियल पिक्चर जो है वो डेवलप नहीं कर सकते. दुनिया को समझने के लिए, तारीख के अमल को समझने के लिए आपको इससे कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. ये कई बरसों का प्रोसेस है जिसमें कष्ट करना पड़ता है चीज़ों को समझने के लिए. सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क मुस्लिम दुनिया के वो सिपाही हैं, वो कमांडर हैं,
वो जनरल हैं जिन्होंने पहली दफ़ा गैलीपोली, पहली जंग अजीम में 1915 में गैलीपोली का जो मार्का और बैटल है जहाँ ब्रिटिश लेड एलाइड फोर्सेस को तुर्कों ने शिकस्त दी, वहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल एक हीरो के तौर पे इमर्ज करते हैं। और वो जो फतह है तुर्कों की, हालांकि पहली जंग अजीम बहुत मुश्किल है तुर्कों के लिए, लेकिन वो जो फतह है उसका सेहरा मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के सर पर जाता है, सारी दुनिया ये मानती है। लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो है गुज़िश्ता 150 बरस की मुस्लिम तारीख के अंदर, दुनिया की तारीख में, वो वाहिद जनरल, वो वाहिद कमांडर, वो वाहिद सोल्जर है, वो वाहिद लीडर है जिसने फर्स्ट क्लास, फर्स्ट रेटेड यूरोपियन फौजों को, मिलिट्री पावर को आंख में आंख डाल के चैलेंज किया। और ये वाहिद मुस्लिम कमांडर है जिसने 20वीं सदी के शुरू में यूरोपियन फौजों को बजोर शमशीर, जोर बाजू अपनी सरजमीन से धक्का मार के, शिकस्त दे के निकाला है। गुज़िश्ता 150 बरस की तारीख में मुस्लिम शहीद तो बहुत गुजरे हैं, कहीं सैयद अहमद शहीद, कहीं टीपू सुल्तान शहीद, कहीं तीतू मीर शहीद, कहीं शरीयतुल्ला, हाजी शरीयतुल्ला शहीद, इन दर्जनों की तादाद में हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना और कुर्बानी दी है। लेकिन ऐसा मुस्लिम कमांडर, ऐसा मुस्लिम लीडर जिसने यूरोपियन फौजों को, एलाइज को 20वीं सदी के शुरू में, मॉडर्न फोर्सेस को, विक्टोरियस फोर्सेस को अपनी सरजमीन से मार के निकाला हो, वो और कोई नहीं है, वो सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क है। क्या वजूहात थी उसकी फिर कभी मैं बात करूंगा, लेकिन अभी कुछ सर्कमस्टेंसेज आपके सामने लाना चाहता हूँ। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पहली जंग अजीम जब ख़त्म हुई 1918 में, तो सूरत हाल ये थी कि जो विक्टोरियस एलाइज थे, उन विक्टोरियस एलाइज ने, और ये विक्टोरियस एलाइज कौन, इन विक्टोरियस एलाइज ने कब्जा कर लिया इस्तांबुल के ऊपर। ना सिर्फ इस्तांबुल पे उन्होंने कब्जा करके अपने क्वार्टर्स मुकर्रर कर लिए, बल्कि उन्होंने तुर्की के जो वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर, वेस्ट कोस्ट पे यूरोप फेसिंग इंपॉर्टेंट शहर थे जिसमें अजमीर है, जिसमें अदर्ने है, जिसमें बुरसा है, इन तमाम शहरों के ऊपर भी उन्होंने मिलिटरली कब्जा कर लिया। ये एलाइज कौन थे? ये एलाइज थे ब्रिटिश एम्पायर, ये एलाइज थे फ्रेंच, ये एलाइज थे इटालियन, ये एलाइज थे ग्रीक, यूनानी जो उनके एलाइज थे, और इन एलाइज के साथ जो हैं रशियंस थे जो जो बेसिकली आर्मीनियंस की मदद कर रहे थे, अतालवियों का मैंने जिक्र कर दिया। उसके अलावा इन सारे एलाइज को, जो 6 मेन कैरेक्टर्स बनते हैं, ब्रिटिश, फ्रेंच, इटालियन, ग्रीक, रशियन, और उसके अलावा अमरीका का जो सदर है, और अमरीका जो था वो इन सब के साथ था, और अमेरिका का सदर वुड्रो विल्सन जो है वो नक्शे बना रहा था अमेरिका में बैठ के कि किस तरह से मुख्तलिफ स्टेट्स, खास करके आर्मीनिया को टर्की में से काब आउट करना है। ना सिर्फ ये था, बल्कि ऑटोमन एम्पायर के अंदर 3 किस्म के रेबल्स पाए जाते थे पहली जंग अजीम में। 2 तो नॉन मुस्लिम थे, आर्मीनियंस एंड ग्रीक्स, और 3रे आपके अरब भाई थे सारे, हिजाज वाले, इराक वाले, सीरिया वाले, लेबनन वाले, जिन्होंने तुर्कों के खिलाफ बगावत कर दी थी। ठीक, अब पहली जंग अजीम के नतीजे में जो यूरोपियन पार्ट था तुर्की का, जो 20% पहली जंग अजीम से पहले तुर्की की 20% आबादी गैर मुस्लिम थी, नॉन मुस्लिम थी, क्रिश्चियन थी, वो जो यूरोपियन पार्ट था वो तो तुर्की से छीन लिया गया। जो मशरक़ वस्ता के अरब थे उन्होंने लॉरेंस ऑफ अरेबिया के साथ मिलकर, अंग्रेज़ों का जो इंटेलिजेंस एजेंट था कर्नल लॉरेंस अरेबिया, उसके साथ मिलकर उन्होंने तो बगावत कर ही दी, वो तो अलग हो ही चुके थे। अब जो ये जो विक्टोरियस एलाइड पावर्स बैठी हुई थी इस्तांबुल में, जिनके पास अदर्ने भी था, जिनके पास बुरसा भी था, जिनके पास इजमीर भी था, उनका प्लान ये था, प्लान वो ये बना रहे थे कि जो बचा कुचा तुर्की है, बेसिकली एनातोलियन पेनिनसुला, एनातोलिया जो है, इसके किस तरह से हिस्से बखरे करने हैं, और प्लान ये था कि कैसे सेमी ऑटोनोमस, ऑटोनोमस नेशन स्टेट्स क्रिएट की जाएं, जिसके ज़रिए, जिसके नतीजे में तुर्क जो हैं, जो सुन्नी मुसलमान तुर्क हैं, वो किसी भी हिस्से में नई बनने वाली स्टेट में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में ना हो, और उनकी जो सॉवरेनिटी और सॉवरन स्टेटस जो है वो ख़त्म हो जाए। ये था वो प्लान। ठीक, अब इस मौके पे समझने की ज़रूरत है, बिकॉज बहुत से, चूंकि मैं ये कर ही इसलिए रहा हूँ वीडियो के, मैंने सब लोगों के कमेंट्स देखे हैं, ट्विटर पे देखे हैं, यूट्यूब के ऊपर जो वीलॉग्स हैं वो देखे हैं, वीलॉग्स का कंटेंट भी सुना है, और उसके नीचे लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं वो भी सुने हैं, और मुझे अंदाज़ा है कि लोगों को ठीक तरह को, बहुत से लोग जो हैं वो खिलाफत उस्मानिया की नुहाखानी करते हैं, वो समझते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने शायद खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया, दोबारा खिलाफत वापस आ सकती है, एंड सो ऑन। 1918 में पहली जंग अजीम ख़त्म होने के बाद खिलाफत उस्मानिया की तो सूरत हाल वो थी
जो 1804 के बाद हिंदुस्तान के अंदर मुगल सल्तनत की या मुगल एम्पायर की थी, यानी 1804 से पहले भी 1740 के बाद जो मोहम्मद शाह रंगीला जिस पे पहले जिसको मराठों ने मारा और उसके बाद उसको नादर शाह ने आके जो है बाहर से लूटा दिल्ली को, तो 1740 से लेके 1804 के दरमियान तो मुगल सल्तनत रहमो करम पे थी, कभी मराठों के, कभी अफगानों के और कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के। कभी उसको मराठे उसको प्रोटेक्ट करते थे, कभी अफगानों की प्रोटेक्शन से मुगल सल्तनत चलती थी और कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के वो वजीफा खार होती थी। बहरहाल 1804 से लेके 1857 तक का जो टाइम पीरियड है उसमें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाकायदा जो मुगल बादशाह था आखिरी, जो आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर और ये पूरा जो खानदान है, इन सब का बाकायदा वजीफा लगाया हुआ था। दिल्ली की जितनी इलीट और सरकार थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के वजीफे पर ही चलती थी। ठीक, 1918 में सुल्तान हमीद सेकंड जो आखिरी सुल्तान उस्मानिया के सुल्तान हैं, खलीफा हैं, वो और उनके जो जानशीन हैं उनकी सूरत हाल मुगलिया सल्तनत के बहादुर शाह जफर या मोहम्मद शाह रंगीला के बाद का जो टाइम पीरियड है उससे कोई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए, एक तो इस्तांबुल के ऊपर एलाइज ने कब्जा कर लिया, तमाम बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया, और प्लान ये था, ग्रीक्स की डिमांड ये थी, उनकी कोशिश ये थी कि बाकी एलाइज कन्विंस हो जाएं और कॉन्स्टेंटिनोपल दोबारा से रिसरेक्ट किया जाए, यानी इस्तांबुल का जो शहर है इसमें आबादकारी की जाए, इस्तांबुल का शहर जो है उसको दोबारा से एक ग्रीक सिटी बनाया जाए, कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से उसको शहर को बनाया जाए और बाकी भी जो तुर्की के हिस्से हैं वो बखरे किए जाएँ, जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। ठीक, कन्फ्यूजन सिर्फ ये थी कि अंग्रेज़ जो है वो सबके साथ आपस में कंसेंसस नहीं हो रहा था, खास करके अंग्रेज़ों के जहन में एक खदशा एक खौफ ये भी था कि हिंदुस्तानी जो मुसलमान हैं वो बहुत बुरी तरह से रिएक्ट कर रहे हैं तुर्की की शिकस्त पे, वहाँ बड़े जज्बात पाए जाते हैं, हिंदुस्तानी मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सर्व करते थे और फिर अंग्रेज़ों का तुर्की लॉन्ग स्टैंडिंग एलाय था अगेंस्ट ज़ारिस्ट रशिया, तो इन कंसिडरेशन में कंसेंसस नहीं हो रहा था, लेकिन डायरेक्शन यही थी कि तुर्की को कैसे इसको साइफन करना है, इसको कैसे काटना है। और ऑटोमन जो सुल्तान है और उसकी जो फौज है अब वो अंग्रेज़ों के कंट्रोल में थी और जितने इस्तांबुल के मुल्ला थे शेखुल इस्लाम वगैरह ये भी अंग्रेज़ों के कंट्रोल में थे। हालात इतने बुरे थे कि जो अंग्रेज़ फतवा हासिल करना चाहते थे मुल्लों से वो फतवा अंग्रेज़ों के लिए खातर मुल्ले जो हैं मुल्ला हजरात जो हैं वो दे देते थे। सो मच हो कि जब नेशनलिस्ट ने रेजिस्ट किया अंग्रेज़ों के कंट्रोल को, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क लेड नेशनलिस्ट ने, तो इस्तांबुल में बैठे शेखुल इस्लाम से फतवा दिलवाया गया, अंग्रेज़ों ने दिलवाया फतवा, ब्रिटिश एम्पायर ने दिलवाया फतवा, और आपको पता है अंग्रेज़ स्पेशलाइज करते हैं इन चीज़ों में, फतवा ही दिलाया गया कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क और तुर्क नेशनलिस्ट जो हैं ये इन्फिडल्स हैं, ये काफ़िर हैं, ये वाजुबल कत्ल है। और कैलिफ का जो रिप्रेजेंटेटिव है जो प्राइम मिनिस्टर था तुर्की का, जब वो 1919 के वस्त में ट्रीटी ऑफ सेवरेज, जिसको इंग्लिश में ट्रीटी ऑफ सेवरेज कहते हैं, फ्रेंच में ट्रीटी ऑफ सेवरा कहते हैं, पेरिस के करीब एक शहर है, वहाँ वो साइन करने के लिए पहुँचा जहाँ तुर्की के मुकद्दर का फैसला किया जा रहा था कि एनाटोलिया की क्या डिवीज़न होगी, नए बॉर्डर क्या होंगे, तो बिला चूनो चरा ऑटोमन एम्पायर के वज़ीर आज़म ने साइन कर दिए ट्रीटी ऑफ सेवरा में। अब ट्रीटी ऑफ सेवरा के ऊपर रेटिफिकेशन चाहिए थी पार्लियामेंट की, लेकिन जो तुर्क नेशनलिस्ट थे लेड बाय मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने एनाटोलिया में एक रेजिस्टेंस और डिफाइंस का प्रोसेस शुरू किया जिसके नतीजे में टर्किश पार्लियामेंट की सिंपथीज उनके साथ हो गई, टर्किश अंग्रेज़ों ने अरेस्ट शुरू किए नेशनलिस्ट के, टर्किश पार्लियामेंट डिसबैंड हो गई, डिसॉल्व हो गई और ट्रीटी ऑफ सेवरेज को नेशनलिस्ट ने और तुर्क जो अवाम थे एनाटोलिया में जिनको मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क लीड कर रहे थे, उन्होंने ट्रीटी ऑफ सेवरेज को मानने से इनकार कर दिया। अब पूछिए इसके बाद क्या हुआ, देखिए इसके बाद वो ड्रामेटिक मोमेंट्स हैं अगले तीन बरस के जिसमें ये जो नेशनलिस्ट कॉम्पैक्ट है उसने एक ग्रैंड नेशनल असेंबली क्रिएट की। इस ग्रैंड नेशनल असेंबली के जो मेन लोग हैं उसमें मिलिट्री कमांडर इस्मत अनोनो हैं, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क हैं, जिन लोगों ने इस ग्रैंड नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1920 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को प्रेजिडेंट एलेक्ट किया फॉर वेटिंग पार्लियामेंट। 2 जुलाई 1920 को मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने एनाटोलिया से एलाइड फोर्सेस के खिलाफ जो तुर्की की ज़मीन पे काबिज़ थे एक होली वॉर जिहाद का ऐलान किया, तमाम लोगों से अपील की उस जिहाद में शामिल होने के लिए। और जहन में रखिए कि कौन से एलाइज हैं जिनके खिलाफ जिहाद का ऐलान किया, ब्रिटिश एम्पायर, फ्रेंच, इटालियंस, ग्रीक्स, रशियंस, सपोर्टेड बाय होम, यूनाइटेड स्टेट्स। ये वो जिहाद था जिसके नतीजे में सबसे पहले अगस्त या सितंबर अक्टूबर 1920 में आर्मीनियंस को डिसाइसिव शिकस्त दी गई नॉर्थ ईस्ट में,
आर्मीनियंस को सपोर्ट हासिल थी रशियन बोल्शेविक्स की, बहुत बड़ी शिकस्त थी। उसके बाद रशियन बोल्शेविक्स ने टर्क नेशनल्स के साथ सुलह कर ली। अगली जो सीरीज ऑफ बैटल्स हैं उसमें फ्रेंच और इटालियंस को डिफीट्स हुई, जिसके नतीजे में फ्रेंच और इटालियंस ने इस जंग से अलहदगी इख्तियार कर ली, लेकिन बैठे वो इस्तांबुल में ही रहे। उसके बाद बचे अंग्रेज और उसके बाद बचे ग्रीक। इतनी सख्त रेजिस्टेंस ऑफर की टर्क नेशनल आर्मी ने, नेशनलिस्ट ने मुस्तफ़ा कमाल की लीडरशिप में, कि अंग्रेज़ों ने बिलाखर अप्रैल 1921 में इस जंग से अलहदगी इख्तियार कर ली और अपने आप को न्यूट्रल डिक्लेयर किया। ग्रीक आर्मीज अभी भी काबिज थी इजमेर पे और तुर्की के बहुत से शहरों में, लेकिन अगस्त 1922 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की फोर्सेस ने ग्रीक्स को फाइनली डिसाइसिव डिफीट दी इजमीर में। इजमीर में जब तुर्किश फौज जो है वो सितंबर 2022 में फातिहाना तौर पर दाखिल हुई, तो एलाइड फोर्सेस ने, बरतानवी, फ्रेंच और इटालियंस ने अंदाज़ा लगाया कि अब इस टर्किश रेजिस्टेंस को सप्रेस नहीं किया जा सकेगा। और 1922 की 2 अक्टूबर को एलाइड फोर्सेस ने अंडर द डिमांड ऑफ द मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क इस्तांबुल को वेकेट किया, खाली किया। 11 अक्टूबर 1922 को टर्क नेशनल आर्मी, ग्रैंड नेशनल असेंबली और एलाइड फोर्सेस लेड बाय यूके ब्रिटेन के दरमियान एक आर्मिस्ट्रस साइन हुआ, जिसके नतीजे में जुलाई 1923 का, मेरा ख्याल है, लॉसॉन ट्रीटी जो है, जो एक स्विस सिटी में हुई, शहर में हुई, वो ट्रीटी जो है तय पाई, जिसमें मॉडर्न टर्की के वही बॉर्डर्स बने जो उससे 3 साल पहले कमालिस्ट नेशनलिस्ट ने कहा था कि हम इन बॉर्डर्स पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जो एरियाज हमारे चले गए हैं वो चले गए, हम अब 1 इंच ज़मीन और जो है वो नहीं छोड़ेंगे। ये मुस्लिम दुनिया की बहुत बड़ी कामयाबी है। क्यों तुर्क इसमें कामयाब हुए, क्यों हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, कहीं पर मुसलमानों को कामयाबी नहीं हो सकी कभी यूरोपियन फोर्सेस के खिलाफ, इस पर मैं फिर कभी बात करूंगा क्योंकि अभी ये मेरा सब्जेक्ट नहीं। ठीक, अब हम इससे आगे चलते हैं और इसकी तरफ आ जाते हैं। मॉडर्न जो रिपब्लिक खड़ी की मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने, ये वो रिपब्लिक थी जिसने ढांचा खड़ा किया उस मॉडर्न तुर्की का, जिसको आप देखते हैं, जिसमें मैसिव हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में स्कूल, जो कॉलेजेस बनाए गए, औरतों को एम्पावर किया गया, लोगों को पढ़ाया गया, फिर एक यूनिवर्सल सफरेज लाई गई और यूँ वो मॉडर्न तुर्की खड़ा हुआ, जिसका फादर ऑफ द नेशन अतातुर्क जो है वो मुस्तफ़ा कमाल को करार दिया गया। अब आ जाते हैं उस इशू पर जो आप सबके जहनों में है कि 1934 में हैया सोफिया जो है उसे एक म्यूज़ियम का दर्जा मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने क्यों दिया। अब जहन रखिए, मैंने बहुत से कमेंट्स ऐसे देखे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मैंने देखे हैं ट्विटर के ऊपर, लोग इतने लाइल्म हैं कि लोगों ने लिखा है जी कि ये तो तुर्कों ने आलम शिकस्त के अंदर, कमज़ोरी में, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने, क्योंकि इस्तांबुल के ऊपर एलाइड फोर्सेस का कब्ज़ा था, इसलिए मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने अंडर प्रेशर हैया सोफिया को एक म्यूज़ियम का दर्जा दिया मस्जिद से हटा के। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। 1922 में तो इस्तांबुल को खाली करा लिया बाज़ोरे शमशीर, किसी ट्रीटी के ज़रिए नहीं, बाज़ोरे शमशीर खाली करवाया। उसके 12 बरस के बाद तो तुर्की अब एक बड़ी स्टेबल पावर था। असल जो कॉन्टेक्स्ट इसका है, जो किसी ने नहीं कहीं लिखा और किसी को नहीं पता, मैं हैरान हूँ कि किसी ने रिसर्च करने की तो यानी सलाहियत ही नहीं किसी में, लेकिन ज़ाहिर किताबें पढ़े बगैर चीज़ें पता नहीं चलती। देखिए, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को पहली जंग अजीम के बाद ही ये पता था, वो अपने कैबिनेट कोलीग्स को हमेशा ये बात बताते थे, इसमें तनोनो और बाकी लोगों को, कि यूरोप में एक और बहुत बड़ी दूसरी जंग होगी, क्योंकि पहली जंग अजीम के बाद जिस किस्म के कॉम्प्रोमाइज ठोके गए हैं जर्मन्स के ऊपर, इसके नतीजे में फिर एक जंग होगी। और उनका ये फैसला था कि जब भी ये जंग होगी, हमने तुर्की को इस दूसरी बड़ी जंग से ला ताल्लुक़ रखना है। 1933-34 में ऐसे हालात यूरोप में पैदा हुए जहां बोल्शेविक रशियंस और जो फैशिस्ट इटालियंस हैं उनके दरमियान मामला तय पा रहे थे, और ये ख़तरा था कि बैल्कन में एक लड़ाई होगी जहां तुर्की के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ख़तरा था। तुर्की ने इनिशिएटिव लिया, जिसको बैल्कन पैक्ट कहते हैं, जहां तुर्की ने ग्रीस, बुल्गारिया और स्टेट्स को मिलकर एक अलायंस खड़ा करने की कोशिश की। जब ये अलायंस की बातचीत हो रही थी तो ग्रीक्स जो बड़े इंजर्ड रहे हैं अपनी तमाम तर शिकस्तों की वजह से तुर्की, उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को ये पैगाम दिया कि अगर आप आया सोफिया जो है इसे दोबारा एक कैथीड्रल में कन्वर्ट कर दें तो बैल्कन पैक्ट करने में आसानी होगी, और यूनान के लोगों को जहां नफरत बहुत पाई जाती है तुर्की के खिलाफ, हम इसे सेल कर सकेंगे, बिकॉज ये एसेट और ये इसकी हिस्ट्री जो है ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के लिए वो बड़ी भरपूर है। पॉइंट क्या है, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने किसी शिकस्त के नतीजे में नहीं, अपनी स्ट्रेटेजिक नीड्स में
क्योंकि बेल्कन पैक्ट करना था, तब आया सोफियो को एक म्यूजियम का फैसला किया। और वो भी कैसे किया, वो इस तरह से किया कि कैथीड्रल नहीं किया, म्यूजियम किया। लेकिन उससे कई, उससे कम से कम एक दो साल पहले आया सोफिया का कैथीड्रल जो है वो डिसयूज में जा रहा था। आया सोफिया का जो मस्जिद है वो इस वजह से डिसयूज में जा रही थी कि उसकी कंडीशन बड़ी डिलेपिडेटेड थी। अब एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब सुल्तान महमद सेकंड ने इसे एक मस्जिद बनाया तो उसके साथ ही उन्होंने एक मार्केट, एक बाजार और शॉपिंग एरिया और एक छोटा सा म्यूजियम भी क्रिएट किया था, जिसका मकसद ये था कि इस मस्जिद के लिए एक रेवेन्यू के सोर्सेज एग्जिस्ट करते हों। बिकॉज सुल्तान को 15वीं सदी में इस चीज़ का पता था कि जिस किस्म का ये एक ग्रैंड आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है, जिसे उस वक्त भी बने हुए हज़ार बरस गुजर चुके हैं, इसको सस्टेन करने के लिए, इसको सही रखने के लिए, इसको खड़ा रखने के लिए बहुत ज़्यादा सरमाए की और फंड्स की ज़रूरत होगी। 1920-22 तक ये सूरत हाल हो चुकी थी, 1930 तक, कि यहाँ पर बहुत ही कम लोग नमाज़ पढ़ते थे और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर था जो ख़राब हो रहा था, जो बहुत ही इसके बुरे हालात थे। और जिस एनजीओ की या जिस फंड की बात की जाती है कि ऑटोमन एक फंड था, इसका एक प्रोटेक्टर था, ये फंड जो था वो मसलसल हुकूमत से कह रहा था कि हमें पैसे दिए जाएं वरना ये बिल्डिंग जो है ये कहीं गिरी ना जाए, इसके बहुत बुरे हालात हैं। तो ये इन वजूहात में ये बंद हुई। ये कोई सेकुलरिज्म को सेलिब्रेट करने के लिए हया सोफिया को मस्जिद से म्यूजियम में कन्वर्ट नहीं किया गया। जब प्रपोजल आया कि इसको कैथीड्रल में कन्वर्ट करें तो उस वक्त कैबिनेट ने ये डिसाइड किया मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के साथ कि अगर हम इसको म्यूजियम में कन्वर्ट करते हैं, कैथीड्रल तो हम इसको नहीं बनाएंगे, तो इसके लिए इसको हम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हवाले कर देंगे और इसको बहुत सा इंटरनेशनल फंडिंग भी मिल सकेगी। और फिर आपने देखा कि बाद में इसे यूनेस्को ने 1950 के बाद इसे एक इंटरनेशनल हेरिटेज साइट में कन्वर्ट कर दिया। और ये कम अज़ कम ऐसी बिल्डिंग है जिसको सस्टेन करने के लिए पाकिस्तानी हिसाब से आपको साल में शायद 1 अरब रुपये से भी ज़्यादा का सरमाया जो है वो दरकार। अब आपको ये तो क्लैरिफिकेशन होगी कि क्यों किया। अब इस पर आ जाते हैं कि रजब तैयब एर्दोगान जो सदर हैं, ये कहना कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने फैसला किया है, कोर्ट ने फैसला किया, ये तो खैर मजक्का खेज बातें। बेसिकली तौर पे ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है जिसे रजब तैयब एर्दोगान ने लिया है। और लिया क्यों है, मैं मुस्लिम दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट लिविंग डिसीजन मेकर हैं, इंपॉर्टेंट लीडर हैं, मैं मानता हूँ, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। लेकिन जाहिर है कि आपने एनालिसिस करना है, उन्होंने किया तो खालिस्तान को इस्लाम की बरतरी के लिए उन्होंने नहीं किया, ये उन्होंने किया है बिकॉज अब 18 बरस वो हुकूमत कर चुके हैं, उनकी पार्टी AKP आज उतनी मकबूल नहीं है, उनको बड़े इलेक्टोरल चैलेंजेस हैं, उनको एहसास है कि अगली पॉलिटिक्स मुश्किल होगी। और इस किस्म के फैसला साजी के ज़रिए वो AKP का जो इस्लामिस्ट सपोर्टिंग बेस है उसको वो मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक खालिस्तान टर्की की इंटरनल पॉलिटिक्स का इशू है। हमारे लिए ये चीज़ क्यों अहम है, हमारे लिए ये चीज़ इसलिए अहम है कि असर हाजर के एतबार से ये एक मायूब फैसला है। जो फैसला 1934-35 में किया गया वो तुर्की की एक लेजिटिमेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की, वो उसका फैसला बिल्कुल सही था, वो कैबिनेट का फैसला था। जब एक दफ़ा आपने एक ऐसा फैसला किया और आपने ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के लिए एक कंसेशन पैदा की जिसके नतीजे में तुर्की की फॉरेन पॉलिसी को पूरे बैल्कन एरियाज में बड़ी सपोर्ट मिली, तुर्की को बड़ी अच्छी नज़र से देखा गया इस पूरे इलाके में, अब जब आप उसको रिवर्सल करते हैं तो दर हकीकत आप अपनी दी हुई फेयर कंसेशन को, असूली प्रिंसिपल को आपने निगेट कर दिया। अब हमारे लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है बरे सके, देखिए हमारे लिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। हम सब ये समझते हैं कि RSS हिंदुत्व BJP ने बाबरी मस्जिद को जिस तरह से शहीद किया और ख़ास करके जिस तरह से हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट का बाजू मरोड़ के उसकी लेजिटिमेसी हासिल की गई, इंडिया के आर्कियोलॉजिकल सर्वे से एविडेंसेस प्रोड्यूस की गई और एक मस्जिद के गिराने के अमल को एक मुल्क में इस दहशतगर्दी को जस्टिफाई किया गया, अगर हम उसे गलत समझते हैं, हम उसको कंडेम करते हैं, तो फिर हम इस किस्म की चीज़ों को जो तुर्की में अब हुई है, क्योंकि इसकी बराबरी नहीं है, मैं मानता हूँ इसकी बराबरी नहीं है, यहाँ तो एक म्यूज़ियम को वापस मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है जो 500 बरस से मस्जिद थी, लेकिन उसके बावजूद ये एक मायूब स्टेप है और हमारी इखलाकी पोजीशन को ये वीकन करता है। हम टर्क्स को तो नहीं रोक सकते, लेकिन कम अज़ कम हमें अपनी ओपिनियन को, अपने एनालिसिस को दुरुस्त करना है, बिकॉज इस खत्ते में ये दहशतगर्द जो RSS के हैं, जो नफ़रत अंगेज़ लोग हैं, जो नफ़रत मचा रहे हैं, जिन्होंने इस चीज़ का सहारा लेकर मज़हब के नाम पे फैलाई हुई नफरत में नफ़रत को फैला के हिंदुस्तान के सेकुलर ढांचे को, वहाँ की तमाम सियासत को इन्होंने तबाह कर दिया है, उसे इन्होंने कैप्चर कर लिया है। और हम अगर इनको बुरा समझते हैं, अगर हम हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत समझते हैं, तो फिर हमें
एर्दोगान के जो हमारे बड़े पॉपुलर लीडर हैं, हमें उनके फैसले को भी गलत समझना पड़ेगा। आज इतना ही। मैं देखता हूं कि बहुत सी गलतफहमियां जो हैं टीवी के जरिए और वीलॉग्स के जरिए मचाई जाती हैं, उनमें से एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये भी है कि हिंदुस्तान को तो ऐसे लगता है, अगर आप पाकिस्तानी वीलॉग्स सुने, टीवी सुने, ऐसा लगता है कि गलवान हाइट का क्या मसला हुआ, चीन ने हिंदुस्तान को बहरे हिंद में ही फेंक दिया है, शायद हिंदुस्तान रहा ही नहीं अपनी जगह से, ज्योग्राफिकली समुंदर में ही गिर गया है। मैं अगले वीलॉग्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस किस्म की स्ट्रेटेजिक टसल जो है वो चीन, हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान जारी है। कीप ट्यून, कीप वॉचिंग मी। थैंक यू।